रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत आइडिया, यानी कि हमने ये कार्ड पर क्रॉस स्टिच बनाई हुई है। ये आपके लिए आइडिया के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं, इस पर हम ये काम करते हैं। जैसे कि ये हमारे पास सिंपल है, ये मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं, जैसे बुक स्टोर पर मिल जाते हैं। ये देखें, एक और कार्ड है, इस पर हमने एक छोटा सा, जैसे कि ये बड़ा हमने फ्लावर बनाया, ऐसा एक छोटा सा भी बनाया हुआ, और दो साइड, तीन साइड हमने ये क्रोशिया पीको कहें, हमने से कार्ड टांके से एक जिग जैग बनाया हुआ है। और यानी कि जब हम मशीन से बनवाते हैं तो हम कहते हैं क्रोशिया पीको करवाइए या कुछ भी, तो इसी तरह हमने सुई से मुख्तलिफ़ किस्म की पीको कहते हैं से कुछ भी कहें आप। और ये एक और टांका है जो कि हमने देखे डिब्बे की शक्ल में डंडी टांके से बनाए हुए हैं। ये हमें क्रॉस गिनती कर 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 बनाने होते हैं। ये हम उन बच्चियों के लिए लेकर आए हैं जो न्यू बिगनर्स हैं, वो सीखना चाहती हैं। क्रॉस स्टिच ज़माना कदीम से चला आ रहा है और नेट पर तो आजकल ज़्यादा ही इन है, तो बच्चियाँ इन्हें देखकर शौक से बनाती हैं, क्योंकि बहुत ही आसानी से और इजी तरीके से बन जाता है। इसी तरह मैं आपको और भी आइडिया दे रही हूँ फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा फ्रेंड। एक और टांका है, ये भी हमने क्रॉस स्टिच पे बनाया हुआ है। ये आप छोटी छोटी देखें, बो की डिज़ाइनिंग का ये टांका बनाया है। इसे फ्लावर मेकिंग कहते हैं, आप कुछ भी कह दें, यानी कि फ्लावर स्टिच कह सकती हैं, कुछ भी आपको जो पसंद हो वो इसका जो भी कहना चाहें। हमने यही नाम सुना था, फ्लावर स्टिच वही है, मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, ये अम्ब्रेला छतरी है, कितने प्यारे इसमें कलर हैं और कंट्रास्टिंग भी कितनी खूबसूरत है। ये भी देखें, बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप जब भी बनाएं, आप अपने पास कोई कार्ड रखें, उसी की गिनती से आप ये डिज़ाइन बनाते जाएं, या आपके पास बुक हो, या आप ना मोबाइल में आप पिक्चर रखेंगे, जो स्क्रीन शॉट ले लें करीब रखें, या दूसरे मोबाइल में उसको देखकर बनाएंगे भी तो कभी गलती नहीं होगी, वरना गिनती करते हुए अक्सर हमसे कोई ना कोई मिस हो जाता है टांका। मगर ये बहुत ही ईजी है, और अगर हम इसे निकालना चाहें, उधेड़ना चाहें, तो सुई से आसानी से निकल भी जाता है। तो इसी तरह आप सीखते रहें और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं फ्रेंड। एक और है, ये देखें, ये भी कितना प्यारा एक फ्लावर बना हुआ, ग्रीन कलर की पत्ती और रेड कलर का एक छोटा सा फ्लावर बनाया। इसी तरह आपने कुछ भी बनाना हो, सीखना हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स करके भी बताएं कि आप आइंदा क्या सीखना चाहते हैं। फ्रेंड ये देखें, मैंने अपनी कंप्लीट वीडियो बना ली और आपको आइडिया दिया। आप ज़रूर हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कटिंग स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो इकरा बुटीक चैनल पर भी आएं और फरीदा क्रिएशन पर भी। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह ताला आपकी तमाम दुआएं कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन।